लॉयंस क्लब मालानी में स्टेडियम मॉर्निंग वॉक क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय चिकित्सालय में आयोजित हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में लॉयंस क्लब मालानी व मॉर्निंग वॉक क्लब के पदाधिकारियों के साथ कई रक्तदाता उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब मालानी और स्टेडियम मॉर्निंग वॉक क्लब बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए क्लब अध्यक्ष राकेश बोथरा ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया। उन्होंने रक्तदान को जीवन दान की संज्ञा देते हुए अधिकाधिक संख्या में रक्तदान कर किसी भी जिंदगी को बचाने के लिए अपना योगदान देने की अपील की। शिविर संयोजक जितेंद्र पवार ने स्वस्थ मनुष्य को समय समय पर रक्तदान करने की बात कही। उन्होंने रक्तदान से किसी भी प्रकार के नुकसान या कमजोरी नहीं आने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान से आपके शरीर में नया खून बनता है, जिससे आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। शिविर में 50 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लॉयंस क्लब मालानी एवं स्टेडियम मॉर्निंग ग्रुप के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है। कितने यूनिट रक्तदान होगा, क्या कुछ है? आज हमारा मुख्य टारगेट 50 यूनिट का है, और हम आज हमारे पास 80 न्यू मेंबर है, पर हम आज 50 यूनिट ही करेंगे। नेक्स्ट कैंप होगा, उसके अंदर आगे करेंगे। शिविर सह संयोजक ओम प्रकाश त्रिवेदी ने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। लायंस क्लब मालानी के सचिव इंद्र प्रकाश पुरोहित ने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। क्लब द्वारा इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को फलों और जूस की व्यवस्था की गई। शिविर में राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर मदन सोलंकी ने रक्तदान से पूर्व सभी रक्तदाताओं की जाँच की। तकनीकी सहायक ललित मोहन किरी व मदन लाल ने लैब की में सहायता की। शिविर की समाप्ति पर संदीप परिहार ने सहयोग करने से लायंस क्लब मालानी द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। रक्तदाता नरेश चंदक, सुरेश गोटी, दिलीप खत्री के साथ साथ इस अवसर पर लॉयंस क्लब मालानी के सदस्य राजेश खत्री, अशोक वडेरा, संपत जैन, पुखराज संकलेचा, डॉक्टर मूलचंद चौधरी, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, जॉन चेयरमैन, डॉक्टर जीसी लखारा ने सक्रिय सहयोग दिया।